हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे जो है कि किस तरीके से जो है वीकली एक्सपायरी रही, और हमें लग रहा था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बैंक निफ्टी में स्पेशली वैसा ही रहा। और ये था कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, सेकेंड हाफ थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जो है वास्तव में ऑप्शंस जो बायर थे उनको किल करने का काम आज जो है बाजार में किया। यानी कि ऑप्शंस किसी भी साइड के थे, वहाँ पे मतलब कुछ पैसा बना नहीं। ऑप्शंस या तो कॉल ऑप्शंस थी या पुट ऑप्शंस थी, और जो लास्ट के आधे घंटे के अंदर या एक घंटे में स्विंग्स आते हैं वो भी आज मिस थे। तो अल्टीमेटली एक ऐसी एक्सपायरी थी जो स्पेशली ऑप्शंस सेलर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी। और निफ्टी आज जो है थोड़ा सा कमज़ोर था अगर हम कंपेयर करें बैंक निफ्टी के सामने तो। और निफ्टी में आज जो कमज़ोरी आ रही थी वो रिलायंस की वजह से भी जो है देखी जा रही थी। अब जिस तरीके से सुबुगाहट शुरू हो रही हैं, अब 5 स्टेट इलेक्शंस जो हैं अब आने वाले 2-3 महीनों के अंदर उसकी गर्मा गर्मी जो है शुरू होगी, तो बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने सौदे जो हैं एक तरीके से बांध रहे हैं। और कुछ जो सौदे हैं वो जनरली इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं वहाँ पर बाजार ऐसा दिखा रहा है कि वो भी एक साइडवेज ही रहने की कोशिश कर रहा है, साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड में, यानी कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है अभी। और मुझे लगता है कि अभी शायद ये कंटिन्यू रहेगा और बाजार ऐसे ही अभी आपको थकाता हुआ नज़र आएगा। और नेक्स्ट वीक में, और हो सकता है कि कल सेकेंड हाफ से एक जो है सेलिंग वाला जो सेशन है वो शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जो 23 तारीख होगी या 23 या 24 तारीख के आसपास बाजार के अंदर एक अच्छी वाली वोलेटिलिटी की हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं। और इस बार के बाजार में एक चीज़ जो हमें देखने के लिए मिल रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर जो दूर की ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम अभी डिके नहीं हो रहे हैं। जो 24 तारीख की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, स्पेशली जो पुट ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम बाजार के अंदर जनरली एक्सपायरी डे वाले दिन काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिके होते हैं। तो आज जो 24 तारीख वाली जो ऑप्शंस थी, स्पेशली पुट ऑप्शंस, वहाँ पर प्रीमियम जो है डिके नहीं कर रहे थे। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि यानी कि जो ऑप्शंस के बायर हैं वो अभी पुट के जो बायर्स हैं वो 24 तारीख वाली जो ऑप्शंस हैं उसमें काफ़ी एक्टिव हैं अगर उसको देखें। और ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वहाँ बायर एक्टिव होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी जो है आपको वोलेटिलिटी शायद अभी और बढ़ती हुई नज़र आए। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें पिछले 8-10 दिन के अंदर तकरीबन 10% के आसपास बढ़ चुका है और वो अभी टिका हुआ है उस बढ़त के साथ। ये संकेत दे रहे हैं कि जो महीने की जो अंत होगा वहाँ पर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी, एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। FIIs ने लगातार अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स लगातार वो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। और FIIs ने जो स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं अगर उसका अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग है। और इसके अलावा जब पिछला महीने का एंड था, जब इस महीने की एक्सपायरी के सौदे हो रहे थे, तो एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही थी हमें। और वो क्या देखने के लिए मिल रही थी? वो देखने के लिए मिल रही थी कि एक अच्छी खासी ऑप्शंस बाइंग जो है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, स्पेशली FIIs के द्वारा हो रखी है। तो यहाँ पर जो है कुछ संकेत ऐसे हैं कि जो महीने के लास्ट वाली जो एक्सपायरी है वहाँ पर एक वोलेटिलिटी आएगी। और सबसे खास बात यह कि ऊपरी लेवल से जो माल दिया गया है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेलर कोई जल्दबाजी में नहीं है। इस बार सेलर जो है पूरी तरीके से माल देने के मूड में है, अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और वो शायद आपको या तो नेक्स्ट वीक में 23 से 24 तारीख के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी वाला जो मंजर है वो हमारे बाजारों में भी रहेगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने शुरुआत तो अच्छी की थी, 19450 पे क्लोज दिया था। हमने ना US की मार्केट को ध्यान दिया, ना हमने एशियन मार्केट की कमजोरी को देखा। हमने कहा भाई हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम ऐसे ही खुलते हैं। हमने तो अच्छी तरीके से बाजार को जो है थम्सअप दिया, लेकिन धीरे धीरे से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आया और लगभग 11 बजे तक माल बिकता रहा, फिर अचानक बाजार को नीचे आना ही पड़ा। और जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये 11 बजे के आसपास का जो टाइम था जहाँ पर एकदम सीधा जो है एक बढ़िया वाली रेड कैंडल जो है आपको देखने के लिए मिली। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो भी, और 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो भी, वहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे लगातार 3 या 4 कैंडल थी, काफ़ी मजबूती के साथ जो है गिरावट हो रही थी। आप कहेंगे सर मजबूती के साथ गिरावट क्या होती है?
यही आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक पर्टिकुलरली एक लेवल तोड़कर एक दूसरे होरिजन में इंट्राडे ट्रेड में जाता है, यानी कि बाजार एक 20 या 25 पॉइंट की एक रेंज को तोड़ के दूसरी रेंज में घुसता है, तब अक्सर ऐसी जो है मजबूती के साथ जो है कमजोरी देखने के लिए मिलती है। अगर हम निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए कि निफ्टी जहाँ से मतलब जून एंड से जब चला था वहाँ से अभी वापस नहीं लौटा है, लेकिन बैंक निफ्टी लौट चुका है, बैंक निफ्टी लौट चुका है। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है कि निफ्टी के शेयर्स के साथ साथ जो है बैंक निफ्टी के शेयर्स तो देखिएगा नीचे काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी के स्टॉक्स अभी शायद थोड़ा सा और कमज़ोर हो सकते हैं, और बैंक निफ्टी के शेयर्स शायद अभी 1 या 2 दिन और साइडवेज होने के बाद फिर निफ्टी की कमजोरी के साथ शायद वो आगे आते हुए नजर आए। तो अभी देखिएगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास निफ्टी बैंक काम कर रहा है, लेकिन निफ्टी में स्थिति आज रिलायंस ने काफ़ी ख़राब की। उसका देखिएगा आईटीसी ने जिस तरीके से होटल बिजनेस को डीमर्ज किया है वो शायद इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा, और आईटीसी ठीक ठाक रिजल्ट, मैं तो ये कहूँगा अच्छे रिजल्ट थे, अच्छे रिजल्ट के बाद भी ऊपर टिक नहीं पा रहा है। उसको एचडीएफसी बैंक में कमजोरी थी 1600 के नीचे आज क्लोज दिया, एलएनटी और बजाज फाइनेंस कमजोर थे, और जहाँ तेजी थी वहाँ पे हमारी कन्विक्शन नहीं है, यानी कि अदानी पोर्ट जनरली एक स्पेकुलेशन वाला ही शेयर हम कहेंगे, आज की डेट में मुझे स्पेकुलेशन ही लगता, क्योंकि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन किसी इंडेक्स शेयर्स में हुई है तो वो अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेज ही रहे हैं। टाइटन देखिएगा आज कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया, बट जिन वैल्यूशंस पे टाइटन चल रहा है वो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसमें पैसा बनाने के स्कोप ज़्यादा नहीं है। हाँ, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम जो है कर सकता है। आज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अच्छा चल रहा था, तो एसबीआई भी तेजी में था और बजाज फिनसर्व में भी तेजी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बराबरी पे थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे की काट हो रही थी, बट हाँ तेजी वाले शेयर्स दिन भर में नीचे आते हुए नजर आए। अदानी पोर्ट, टाइटन, अदानी इंटरप्राइज, बजाज, SBI ये सब 1% से ऊपर की तेजी में थे। अदानी पोर्ट्स 4% और टाइटन 2% की तेजी के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद ITC में 2% की कमजोरी थी, LTI माइंडट्री में 1.93 की, पावर ग्रिड 1.75, और मेजर आज जो निफ्टी को खींच रहा था उधर रिलायंस तकरीबन 1.5% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। उसके बाद अलावा L&T, नेस्ले और डिवीज लैब जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। निफ्टी बैंक 43891, निफ्टी बैंक 43891 देखिए, अगर निफ्टी के एक अहम सपोर्ट है 43800, ये उसको रिस्पेक्ट देता है रोज, जैसे 800 के नीचे जाता है एक अच्छी खासी बाइंग आती है, तो मुझे लगता है कि अभी भैया सेलर अभी 800 पे माल देगा, फिर 800 के बाद 650 के आसपास एक सपोर्ट है वहाँ माल देगा, फिर 43400 के आसपास जब यहाँ पे माल पूरा खत्म हो जाएगा, एब्जॉर्व हो जाएगा, उसके बाद या तो भैया बाजार यहाँ से रीबाउंड होएगा या बाजार यहां से टूटेगा, ये सब कुछ होगा आपको 23 या 24 तारीख के बाद। अभी मुझे लग रहा है कि बाजार इसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा जब तक कि 43800 होल्ड कर रहा है। मान लो टूट भी गया तो 650 पे सपोर्ट है, 650 भी टूटेगा तो 400 पे मेजर सपोर्ट है, तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी एक बार बाइंग आ सकती है। अगर बाजार 43400 के आसपास जाएगा तो जो भी 43400 के आसपास जाए बाजार और वहां पर कोई बाएं, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वहां पर बायर्स एक्टिव होंगे, तो वहां पर जो है एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने के लिए मिलेगी। वैसे ही अगर 44200 और 300 के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहां सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, बट मुझे लगता है कि अभी बाजार नैरो रेंज में रहेगा, और अगर ये रेंज जब तक नहीं टूट रही है, देखो आपको खुद ये बात ध्यान रखनी है, अब बाजार में आपने 42800 अगर टूट जाए और आधा घंटा पौना घंटा काम हो जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार फिर 42800 के नीचे बंद होगा, फिर 1 या 2 दिन हो सकता है कि 42400 और 42800 के बीच में काम हो, फिर वहां से अगर 42400 टूटता है तो फिर देखिएगा सेल ऑफ आएगी। अगर एक ही झटके में अगर 42400 टूट जाता है ना, तो वो सस्टेन नहीं करेगा बाजार में नीचे से, फिर वो ऊपर बाउंस कर लेगा। तो 42400 टूटना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है अभी, क्योंकि मैं जिस तरीके के पिछले 2-3 महीने के ट्रेडिंग पैटर्न देख रहा हूँ, और एक चीज पक्की है, अगर 43400 के नीचे बाजार टूट के चला गया तो फिर जो एक्सपायरी होगी वो 42 की लाइन में होगी। वो 42 की लाइन में कहीं पर भी हो, 42100 हो या 42900 हो,
बट ये पक्का है कि अगर 43,400 टूट गया तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी लास्ट वाली, वो 42 की लाइन में ही होगी। निफ्टी बैंक ने देखिएगा जहां से ब्रेकआउट दिया था उसी दायरे में, मैंने कहा भी था पिछले हफ्ते कि उस रेंज में आ गया, अब इसी रेंज में घूमेगा ये, तो उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि 44,300 जब तक बाजार नहीं तोड़ता है तब तक सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और बंधन ये संभाल रहे थे आज बाजार को। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक ये गिरा रहे थे। अब यहाँ पर भी देखिएगा थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा HDFC बैंक ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा सा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पर थोड़ा सा विशेष नज़र रखिएगा, यहाँ पर कभी भी क्रैक डाउन हो सकता है। मुझे लगता है कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अगली लेग के अंदर, अगर निफ्टी बैंक ने बाजार तोड़ना है या 43,400 के आसपास जाना है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में कमजोरी आनी जरूरी है, नहीं तो वो लेवल्स नहीं आएंगे। और वहाँ पर भी आपको ये देखना है क्योंकि बाकी सारे बाजार, फिर बाकी जो सारे बैंक हैं वो ओवरसोल्ड हो जाएंगे, तो वहाँ से 43,400 के आसपास से एक टेक्निकल बाउंस बैक बनता है। वहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखनी है कि अगर 43,400 के आसपास बाजार संभलते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा संभलते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो पहली बात तो जाते ही हैं तभी, और अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ संभलते हैं तो वहाँ पर एक 300 से 400 पॉइंट का एक बड़ा जबरदस्त तरीके का अप मूव जो है बाजार देगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर अगले राउंड में या तब तक हो सकता है 23 या 24 तारीख आ जाए, उसके बाद अगर 43,400 टूटता है तब एक वोलेटिलिटी महीने की लास्ट, महीने की जो लास्ट एक्सपायरी उसमें आ सकती है। क्योंकि मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि जो 24 तारीख की जो ऑप्शंस हैं वो उनमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, तो मुझे लग रहा है कि कल भी हो सकता है या सोमवार से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और 23 और 24 तारीख से तो मुझे लग रहा है कि प्रचुर मात्रा के अंदर इंडेक्स के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी में, बढ़िया जबरदस्त वाली वॉलेटिलिटी बनती हुई नज़र आ सकती है। आज जो तेजी थी वो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। आप ना थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस महीने में 10,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं FII से, और आज भी 1,510 करोड़ की सेलिंग की है। आज खास बात ये रही कि DIIs भी आज नेट सेलर थे। उसके बाद अगर हम देखें तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज थोड़ी सी कवरिंग की, लेकिन अभी भी पूरे महीने के अंदर 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके बैठे हैं। ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग है, और यहाँ पर 15,000 करोड़ से ऊपर की FIIs की स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग है। जनरली ऐसा होता है तो उसके बाद बाजार महीने के एंड वाली एक्सपायरी में मंदा हो जाता है, और फिर अगले महीने के अंदर भी कमजोरी का जो रुख है वो बना रहता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा कि ये कितना जो है कारगर होता है। तो कुल मिलाकर FIIs बड़ी जो है मात्रा के अंदर शॉर्ट पोजीशंस में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पोजीशंस बड़ी अच्छे से अपकी और हैज कर रखी है, तो शायद शॉर्ट कवरिंग में उनको डरने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बड़े तमीज से जो है माल बेचा जा रहा है। पुट कॉल रेशोस दोनों की जो है इस तरीके की हैं कि पुट राइटर बैकफुट पे, तो पुट कोई लिखने के लिए तैयार ही नहीं है, और जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार ऐसे धीरे धीरे करते 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 ही चलने वाला है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जब हमने स्लाइड अपलोड की थी तब तक खुला नहीं था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि अभी पॉजिटिव था थोड़ी देर पहले तक, और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स का इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है, नेस्डेक ट्रेड कर रहा है 0.26% की कमजोरी के साथ। डाउ जोन्स पॉजिटिवली तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ काम कर रहा है, और S&P 500 0.15 यानी कि 6 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। तो ये है यानी कि मिले जुले रुख हैं US के बाजारों से। कल हालांकि वहाँ पे एक अच्छी खासी कमजोरी थी, ब्रांड क्रूड $84 पर आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा, जनरली एक्सपायरी वाले दिन सब कुछ हो चुका होता है, तो जनरली नेक्स्ट वीक की जो सौदे होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन 19,400 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बहुत समय के बाद अभी नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई है। 19,400 और 19,500 दोनों पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, तो अब 19,500 भी एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नज़र आएगा, और 19,400। और इधर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 44,000 पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स 44 पर नज़र नहीं आ रहे हैं, पुट राइटर्स थोड़ा सा
पीछे खिसक गए हैं और वहाँ पर अगर थोड़ी सी बात करें तो पुट राइटर्स जो थोड़ा सा एक्टिव हैं वो है 43,800 पे और 44,000 पर भी, हालांकि 46,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, लेकिन उसके अगर सामने कॉल साइड में देखें तो 83,000 राइट हुए हैं। तो ज़्यादातर 43,800 के आसपास ही जो है राइटिंग है, अगर इसके बाद अगर हम देखें तो 43,800 में। तो अभी देखिएगा यहाँ से भी ऑप्शन चेन के डेटा से भी कुछ जो है क्लियर डायरेक्शन नहीं है, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी कल भी एक नीरस वाला दिन हो सकता है और बाजार ऊपर की तरफ आता है तो सेल ऑन राइज हो सकता है। और कोई भी एक्साइटमेंट बाजार में आएगी वो तभी आएगी जब 43,800 टूट के बाजार नीचे की तरफ कोई रास्ता करे या ऊपर की तरफ 44,300 तोड़ने के बाद बाजार ऊपर की तरफ जाए। उससे पहले बाजार देखिएगा इसी तरीके से थकाते रहेंगे जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छे तरीके से जो है बड़े प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऊपरी लेवल पर जो है अपने फ्यूचर्स में मंदी बना रहे हैं और शेयर्स जो है धीरे 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 वो बेच रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा लग रहा है, और इसके बाद मुझे लग रहा है कि महीने के एंड में शायद कुछ बड़ा गेम होगा। और मैंने आपको बोला 23 से 24 तारीख के बाद एक अच्छे एक्साइटमेंट वाले ट्रेड्स जो हैं मुझे लगता है ट्रेडर्स को मिलेंगे और बड़े बड़े मूव्स दोनों साइड के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ज़्यादातर हमारा रुख ये है कि महीने के एंड वाला जो वीक है और 24 से 25 तारीख के बाद एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनेगी और बाजार शायद यहाँ से भी 3 से 4% का डाउनफॉल और दिखा सकता है ईजीली। तो अभी देखते हैं जैसे जैसे बाजार अपने कदम रखेगा वैसे वैसे मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि बाजार के दो कदम जब बाजार चलता है तो अगले दो कदम का आकलन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।